विश्व हिंदू परिषद द्वारा भारत माता चौराहे पर राम जन्मभूमि की अगुवाई और विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंहल की जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान सिंहल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्प अर्पित किया गया। इस अवसर पर विहिप जिलाध्यक्ष सत्यनारायण द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विहिप के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उन्होंने श्री राम जन्मभूमि की अगुवाई की, जिसकी बदौलत आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। एक संपन्न परिवार में जन्म लेने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से धातु विज्ञान में इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने धन के पीछे भागने और परिवार बसाने की बजाय देश और समाज के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने किसी व्यवस्था या व्यक्ति पर दोषारोपण करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं की, बल्कि समस्याओं के समाधान का खुद प्रयास किया। इस अवसर पर विहिप के जिला मंत्री लक्ष्मण राठौर, सहमंत्री कैलाश मालवीय, सामाजिक समरसता प्रमुख किशन अंदानी, किशोर गोरांबा, नगर संयोजक पवन जयसवाल, नगर मंत्री कपिल बैरागी, चंदू सैनी, राजेश जयपाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।